पोलियो के बाद अब केंद्रीय सरकार ने टीबी मुक्त भारत बनाने के लिए एक मुहिम चलाई है। उसी के तहत अब जो भी टीबी रोगियों की जिला क्षय रोग में सूचना देगा उन्हें 500 रुपए इनाम के तौर पर दिए जाएंगे। टीबी मुक्त भारत की इस मुहिम में जनपद स्तर पर स्वास्थ्य विभाग ने पूरी ताकत लगा दी है। रोग पर नियंत्रण एवं उसके अनुमूलन के लिए मोदी सरकार बेहद गंभीर है। इस मुहिम के लिए जहां जनपद में प्रत्येक वर्ष लगभग 17,000 मरीज सामने आ रहे हैं, इनमें से 12,000 मरीज तो ऐसे हैं जो प्राइवेट अस्पताल में जाना पसंद करते हैं और 5,000 सरकारी अस्पताल में पंजीकृत हो रहे हैं। इस साल के लिए जनपद को 18,000 टीबी के मरीज खोजने का लक्ष्य मिला है। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर संजीव यादव ने बताया कि 10 तारीख से हम लोग टीबी रोगियों के खिलाफ अभियान चलाने जा रहे हैं। टीबी के मरीज के लिए इन्फॉर्मेंट के लिए 500 रुपये का जो है उनको मानदेय दिया जाता है। जो कोई भी आशा या कोई भी जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर है वो किसी भी केस को अगर नोटिफाई करते हैं और पॉजिटिव केस है तो उसके लिए उनको 500 रुपये मानदेय दिया जाता है। अगर बात करें तो वार्षिक कितने मरीज निकल के आते हैं? मतलब वार्षिक इस समय जो है करीबन 16-17 हज़ार वार्षिक केस हमारे यहाँ नोटिफाई होते हैं और अब हमें 18,000 का टारगेट जो है ऊपर से लखनऊ से दिया गया है पूरा करने के लिए। इसको खोजने के लिए क्या कोई अभियान चलाया जाएगा? इसे हम लोगों के लिए पैसिवली तो चल ही रहा है, लेकिन इसके लिए बीच बीच में एक्टिव केस फाइंडिंग प्रोग्राम हमारे यहाँ चलाए जाते हैं जो कि अभी आगामी जो है 10 से लेकर 22 जून तक हमारे यहाँ ACF प्रोग्राम चलेगा। प्रधानमंत्री सर हैं, ऑप्शन नहीं था, ये बिना फैक्टर काम कर गया। राहुल गांधी जी इस्तीफे पर हैं? इस्तीफा नहीं, इस्तीफा क्या सुना मंत्री संख्या में यही रहेगी, नोटिफाई यही रहेंगे, डीबीटी में बोलेंगे कि जनपद में है वही में जरा में तो 6,000 लगा रहे हैं। आ जाओ ना आप पता।